अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और उसे अपना से। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं शाओमी के मी बैंड 3 का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास आ गई शाओमी की मी बैंड 3। तो चलिए इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और इसके बैंड को उतारते हैं, देखते हैं कैप्सूल का क्या साइज़ है, मेन जो ट्रैकर होता है वो उसका फिजिकल ओवरव्यू कैसा है, उसकी शेप और साइज़ में क्या चेंज आया है, पहले से कोई चेंज है या नहीं है, अडाप्टर कैसे लगा सकते हैं आप चार्जिंग का, या कुछ इस तरह की एक USB नॉर्मल टाइप पोर्ट है, इसे आप मी बैंड के साथ 2 पिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यह चार्ज आप कर सकते हैं किसी भी 2 एम्पेयर के या 1 एम्पेयर के आप चार्जर में इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक हार्ट रेट सेंसर है जो बिल्कुल पीछे की जानब दिया गया है, जो आपके कलाइयों के ऊपर फिट आ जाता है जब इसे आप पहनते हैं। तो इसके अंदर बैंड के अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हार्ट रेट सेंसर है, वेदर की मालूमात है 7 दिन की जो आप ले सकते हैं, नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप बहुत से और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कितनी कैलरीज बर्न की, कितने किलोमीटर्स वॉक किया, मीटर्स वॉक किया, कितना डिस्टेंस तय कर लिया और उसकी बैटरी आप वगैरह दे सकते हैं, स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी चार्जर के साथ कनेक्टिविटी किस तरह की है। तो यह कुछ इस तरह का पोर्ट है इसका 2 पिन वाला, जो मी बैंड से ट्रैप से निकाल के आप इसे कनेक्ट करेंगे और किसी भी अडेप्टर में लगाएंगे, चाहे वो 2 एम्पेयर का हो या 1 एम्पेयर का, आप उसे लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। इसकी बैटरी काफ़ी अच्छा टाइम प्रोवाइड करती है क्योंकि इसकी बैटरी 110 mAh की है। शाओमी का कहना है कि इसकी बैटरी 20 दिन का टाइम आपको प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह कनेक्ट होगा और उसके बाद में चले देखते हैं इसके इंटरनल्स के बारे में एक बार फिर से, इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। या आप इसका साइज़ चेक करें, मेरी हाफ फिंगर जितना है, जो कि बहुत ही स्मॉल है और लाइट वेट है। इसके इंटरनल्स की बात करें तो उसमें मेन इसका फंक्शन है जो है हार्ट रेट टेस्टिंग, जो कि BPM में आपको प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरह का बटन को क्लिक करेंगे तो पीछे से ग्रीन लाइट आपको चलती हुई नज़र आएगी, जो आपके कलाइयों से आपकी हार्ट रेट सेंसर की मदद से आपके हार्ट बीट को प्रोवाइड करेगी आपकी स्क्रीन पे। और ये फिर उसके बाद में आप इस पर स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, आपने कितनी वॉकिंग की, कितनी कैलोरीज बर्न की, इसकी बैटरी चेक कर सकते हैं, कितने स्टेप्स चले हैं, बहुत सी और ऐसे फंक्शंस हैं जो आगे चल के आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका वाटर टेस्ट करते हैं। शाओमी की तरफ से कहा गया कि 50 मीटर की डेप्थ का आप इसका वाटर टेस्ट है, वाटर प्रूफ है ये, आप इसे स्विमिंग पर टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं ये पानी में निकाल के चलती है या नहीं चलती, क्या शाओमी ने सच में इसे वाटर प्रूफ बनाया या नहीं बनाया। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, बिल्कुल आपके सामने है, पानी में मैंने डाल के इसे निकाला तो ये पानी में गीले हाथों से भी वर्क कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी एक सेंसिंग है। तो इसे मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी भी देखते हैं। एक मी फिट के नाम की एप्लीकेशन आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मी फिट की एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, आपको इसे कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल का जो ब्लूटूथ वर्जन है 4.0 से ऊपर होना चाहिए, तो फिर इसके साथ में कनेक्टिविटी होगी। इसे मैं अलाउ करता हूँ ब्लूटूथ को यूज़ करने के लिए और इसे कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे कनेक्ट होने के। जब तक ये कनेक्ट हो रहा है देखते हैं इसके इंटरफेस को, इसके पुरानी हिस्ट्री को चेक करते हैं। पहले जो इसमें हिस्ट्री मौजूद है उसमें क्या क्या डेटा है इसके पास, जो कि मैंने हार्ट रेट की टेस्टिंग की थी वो इसके पास रिकॉर्ड है 75, 69 और 61 है शायद। और साथ में आप उसको वेट आपको इसका ऐड करना पड़ेगा और साथ में अपनी हाइट, सब अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी इसमें मी फिट की एप्लीकेशन में आपको सेटअप करते वक्त। ये कनेक्ट हो रहा है, ये आपको डाटा स्लीप भी देता है। स्लीप डाटा का मतलब कितनी आपने गहरी नींद में सोए हैं, कितनी हल्की नींद में सोए हैं, ये आपको सारी डिटेल इसमें मौजूद होती हैं। ये फिलहाल ये कनेक्ट होता है, देखते हैं कितनी देर लगती है, क्या करता है इसके इंटरफेस कनेक्ट होने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुका है हमारे पास शायद। इसको मैं ओपन करता हूँ बैंड के वर्जन को और देखता हूँ इसमें क्या डिटेल्स हैं। ये इसकी रनिंग का एरिया है, इस तरह कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस है और बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगी, क्या इसके तरीक़ेकार हैं। बैंड को हम ओपन करते हैं, मी बैंड 3 लिखा आ गया शायद सामने, वो उसे ओपन करने के बाद
उसका देखते हैं इंटरफेस क्या कैसा है। ये कुछ इस तरह के इसके ऑप्शंस हैं, आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं इसमें। ऐप्स अलर्ट है, आइडियल अलर्ट्स है, फाइंड बैंड का ऑप्शन है, बैंड अगर गुम हो जाए दोस्तों इसे आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे। ये देखिए आपके सामने बैंड वाइब्रेट कर रही है जैसे मैं फाइंड बैंड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी बैंड कहीं गुम हो जाए तो आप इसे ईजिली ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऑप्शन है, हार्ट रेट की ऑटोमेटिक टेस्टिंग होगी जो आपके डिवाइस पे हिस्ट्री में आपको प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से बैटरी के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन मैं तो उसे फ़िलहाल ऑफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद में बहुत से ऐसे फीचर्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, सब कुछ आपके सामने है। ये देखिएगा लर्न मोर अबाउट मी बैंड 3 फ्रीमियम वर्जन है इसका, बिल्ड एड्रेस है, बिल्ड टू एड्रेस, और इनकमिंग कॉल्स आप इसमें देख सकते हैं, नोटिफिकेशन सारे आपको बैंड में रिसीव हो सकते हैं। उसके बाद में हम बैंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं डिवाइस को फाइंड करता है कि नहीं मी बैंड 2 की तरह, शायद इस तरह का कुछ ऑप्शन है फाइंड माई डिवाइस, हम देखते हैं है मिलता है या नहीं मिलता है इसमें। इसको ओपन कर दिया नीचे, हाँ साइड पे ये वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं क्या करता है ये। ये आपके सामने किस तरह किया है इसने अपने डिवाइस को फाइंड। और अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप दोस्तों से अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।